हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में कंपाउंड डेटा टाइप्स को हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला होता है लिस्ट, सेकंड होता है टपल, थर्ड होता है सेट्स एंड फोर्थ होता है डिक्शनरी। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लिस्ट की। लिस्ट पाइथन के कंपाउंड डेटा टाइप्स होते हैं। ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कॉमा से सेपरेट करके स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ हमने वेरिएबल x लिया और इसके साथ में हमने मल्टीपल वैल्यूज को स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज किया और हर वैल्यू को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हम कॉमा साइन का यूज करेंगे। तो जब वेरिएबल x मेमोरी में क्रिएट होगा तो वो सिंगल वैल्यू स्टोर न कर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करेगा। लिस्ट की एक खासियत है कि इसमें इंफॉर्मेशन में आप किसी भी तरह का डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। लिस्ट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग्स या फिर किसी और लिस्ट को भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं या लिस्ट के अंदर आप कोई टपल डाल सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, अनलाइक ऑफ एरेज। जब हम एरेज पढ़ते थे सी के अंदर तो वहां पे जो डेटा आइटम्स होते थे उन सबका डेटा टाइप सेम होता था। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एन एरे एंड अ लिस्ट। लिस्ट ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं और म्यूटेबल होते हैं। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब होता है दे फॉलो अ सीक्वेंस, मतलब जब आप इसे प्रिंट करेंगे या इसका यूज करेंगे किसी लूप के साथ में तो 23 अगर फर्स्ट पोजीशन पर है तो वो फर्स्ट पोजीशन पर ही रहेगा, 34 सेकंड पोजीशन पे है तो वो सेकंड पोजीशन पे ही कंसिडर किया जाएगा। सो दे फॉलो अ सीक्वेंस ऑन 1-to-1 बेसिस। लिस्ट म्यूटेबल होते हैं, आप इसको क्रिएशन के बाद चेंज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम रिपीटेड वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट के एलिमेंट्स इंडेक्स के थ्रू आइडेंटिफाई होते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है x, इसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज स्टोर की हैं। जब ये मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो ये कुछ इस तरह से स्टोर होगा। x विल बी डिवाइडेड इंटू 5 मेमोरी लोकेशंस एंड 1-to-1 बेसिस पर डेटा यहाँ स्टोर होगा और हर वैल्यू को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करेंगे। इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से शुरू होती है, तो दिस इज द जीरोथ इंडेक्स ऑफ द लिस्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। अगर इसमें और भी एलिमेंट्स होंगे तो सिक्वेंशियली इंडेक्सिंग इंक्रीज होती जाएगी। पाइथन में लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउड होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट एलिमेंट को इंडेक्स किया जाता है -1 से एंड देन ग्रेजुअली -1, -2, -3, -4। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया x2, तो x लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में 2 हम पास कर रहे हैं, सो दिस 2 इज एन इंडेक्स। और जब इसका आउटपुट प्रिंट होगा तो यहाँ पर इंटरप्रीटर सेकेंड इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को बाहर निकाल कर डिस्प्ले करेगा। इन द सेम वे अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर अगेन x लिया एंड वी आर प्रोवाइडिंग माइनस वैल्यू ओवर हियर, माइनस इंडेक्स। तो जब हमने यहाँ लिखा x माइनस 2 तो x माइनस 2 प्रिंट करेगा वैल्यू 56 को। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लिस्ट के। यहाँ पर मैंने पाइथन शेल ओपन कर लिया है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं लिस्ट के। मैंने वेरिएबल x लिया और इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, pqr, then some more values separated by comma sign। ये यहाँ पर हमने वैल्यूज डाल दिया तो हमारा वेरिएबल x यहाँ क्रिएट हो गया है। अब अगर आपको लिस्ट को एक्सेस करना है पाइथन में तो इट्स वेरी सिंपल। आप यहाँ पर जाकर डायरेक्टली x लिख दीजिए एंड जस्ट प्रेस एंटर की। जैसे आपने यहाँ पर x लिखा आपको कंटेंट ऑफ लिस्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। लिस्ट के एलिमेंट्स को अगर आपको इंडिविजुअली एक्सेस करना है अलग अलग तो आप यहाँ x लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट में आप कोई भी इंडेक्स प्रोवाइड कर दीजिए। इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। इफ आई एम गोइंग टू रिट्राइव एलिमेंट एट इंडेक्स जीरो, मैंने यहाँ पे लिखा x ऑफ जीरो, तो ये आपको बाहर निकाल कर दे देगा ABC। हमने यहाँ पर लिखा x ऑफ 5, तो ये फिफ्थ इंडेक्स के एलिमेंट को बाहर निकालेगा।
यहाँ पर देखिए दिस इज जीरोथ एलिमेंट, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो फिफ्थ इंडेक्स पे रखा हुआ है 54 और हमारे आउटपुट में डिस्प्ले हुआ 54। लिस्ट के साथ स्लाइसिंग चलती है। स्लाइसिंग मीन्स हम कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे लिस्ट के अंदर से, कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ लिखा x, I'm writing x here, x then square bracket, और यहाँ पर मैंने first element दिया 2 colon 5। इस statement का मतलब है कि हम list में से second index से लेकर fifth index तक के elements को extract करेंगे। इसमें fifth element exclusive होता है, fifth index exclusive होता है। देखिए second index, this is zeroth index, this is first index and this is second index, so 34 is present at second index, 45 third index पे present है, 65 fourth index पे present है and 54 is present at fifth index, तो fifth index की value जो रहती है, जो ये upper limit रहती है, this is exclusive, ये आपको screen पे display नहीं होगा। तो यहाँ पर ये तीन element आपने एक साथ extract कर लिए। second variation हम इसका देखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा 2 colon और हमने इसका upper limit specify नहीं किया है। जब आप slicing के अंदर upper limit नहीं देते हैं तो ये सारे element निकाल देगा after index 2, तो देखिए 34 से लेकर सारे element end तक के display हो गए। एक और variation list के साथ में, आपने अगर यहाँ पर initial limit specify नहीं किया and if you are giving a final limit, तो ये स्टार्टिंग से लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो हमारे जो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोथ इंडेक्स एबीसी पीक्यूआर और कहां तक जाएंगे, तो सिक्स्थ इंडेक्स तक जाएंगे एंड सिक्स्थ इंडेक्स इज एक्सक्लूसिव, इसलिए यहाँ पर 43 दिखाई नहीं देगा। पाइथन सपोर्ट्स नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो, तो अगर हमने यहाँ पर एलिमेंट लिखा एक्स ऑफ माइनस 3, तो ये माइनस 3 इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके दिखाएगा। एंड इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग माइनस 1 से शुरू होती है और माइनस 1 लास्ट एलिमेंट को असाइन होगा, तो 12 का इंडेक्स है माइनस 1, दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज माइनस 3, तो हमारे केस में आउटपुट में आपको मिलेगा 54। नाउ यहाँ भी स्लाइसिंग वर्क करता है, इसको हमने कुछ ऐसा दिया माइनस 5 colon minus 1। अब इसमें भी अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूसिव है, मींस माइनस 1 जो है वो आपको एक्सट्रैक्ट होकर नहीं आएगा, तो एलिमेंट्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट होंगे, दिस इज माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 एंड माइनस 5, तो आउटपुट में आपको मिलेगा 45 से लेकर 43 तक के एलिमेंट्स। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर भी हमारे पास अपर और लोअर लिमिट में से किसी एक लिमिट को एक्सक्लूड करने का ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा माइनस 5 कॉलन, इसका मतलब है माइनस 5 से लेकर सारे एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। एंड इन द सेम वे हम लोग यहाँ पर इनिशियल इंडेक्स को भी ओमिट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं दिया है और फिर हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया माइनस 3, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर माइनस 3 से पहले तक के सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। सो दिस वाज स्लाइसिंग इन लिस्ट। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लिस्ट की और भी मेथड्स को डिस्कस करेंगे, तब तक बने रहिए आप मेरे साथ इस चैनल पर। थैंक यू।